चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़िया मोड़ में सगे भाइयों के ऊपर चाकू मारकर प्राण घातक हमला किया गया था, जिसमें एक भाई की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल है। पुलिस ने अमित पांडे, पिंटू और दिनेश मिश्रा को आरोपी बनाया है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस के द्वारा निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि नितेश यादव अपने भाई के साथ शाम को घर लौट रहा था। जैसे ही चौराहा थाना क्षेत्र के पड़िया मोड़ के पास पहुंचा, तभी अज्ञात लोगों ने लूट के इरादे से हमला कर दिया था। पीड़ित सतना जिले के खजूरी सुखनंदन के बताए जाते हैं, जो रीवा से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में जिनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था। आइए सुनाते हैं मामले को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे परिजनों ने एडिशनल एसपी अनिल सोनकर का इस मामले में क्या कहना है। दिनांक 23/8/22 को 9:30 बजे रात्रि की घटना है। निकेश यादव और अरुणेंद्र यादव, पिता केशव यादव, ग्राम खजूरी सुखनंदन सतना जिला के रहने वाले, ये लोग रीवा में यहाँ शारदापुरम में डेयरी की दुकान किए थे। दोनों भाई डेयरी में रहते थे, डेयरी का काम करते थे। रात में प्रायः घर चले जाया करते थे, प्रतिदिन की भांति वो घर जा रहे थे। पता नहीं कौन कहां से इनका रीवा से पीछा किया और वहां जा करके पड़िया मोड़, अमिरथी गांव के पास पड़िया मोड़ है, पड़िया के लिए पहुंच मार्ग गया है, वहीं पर वो घेर करके आगे पीछे दोनों भाई थे तो आगे वाले को मारा, तो ये दूसरा वाला दौड़ा। जब देखा कि मेरे भाई की मोटरसाइकिल पड़ी है तो मैं जा कर के मैंने वो कहने लगा कि ये तो मेरे भाई की साइकिल है, मेरे भाई की साइकिल है, तो वो लोग उसको छोड़ दिए तो वो बच गया। और ये जो बाद में पहुंचा इसका मर्डर कर दिए, और मर्डर करने के बाद वो लोग फरार हो गए, चले गए। जाने के बाद फिर एक ऑटो वाला पहुँचा तो लक्ष्मण मिश्रा की वहाँ पर दुकान है, वहाँ पर 4-6 लोग ये लोग बैठे थे जिनको मुलजिम बनाया गया है, ये लोग वहाँ बैठे थे। तो इनको कहा कि भाई वहाँ पर पड़िया मोड़ के पास किसी आदमी को मारा है, वहाँ पड़ा है। तो ये लोग फिर वहाँ देखने के लिए गए तो वहाँ देखे तो ये पड़ा था। तो कुछ लोगों ने बता दिया, जो लोग और दूसरे लोग थे, कि इसमें ब्रजेश पांडे उर्फ पिंटू और दिनेश मिश्रा और अंकित पांडे ये लोग यहाँ आए थे, तो इन्हीं लोगों को मुलजिम बना दिया गया। अब उसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए, यदि जांच नहीं होती है तो हम लोग यहाँ आए हैं, एडिशनल एसपी साहब को दिए हैं ये ज्ञापन। अब इसके बाद अगर ज्ञापन में नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को दूंगा और शासन माने गृह मंत्री मिश्रा जी को दूंगा, और ये इसके बाद जो भी माने कार्यवाही होगी वो उचित कार्यवाही करूंगा। एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई है, सोनकर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस आप लोग ये जो दे रहे हैं इसका हम मैं निष्पक्ष रूप से जांच करा लूंगा, आप लोग चिंता मत करिए, जो माने पक्षपात कोई नहीं होगा, जो मुलजिम होगा वास्तविक वही पकड़ा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। यमुना प्रसाद शुक्ल, ग्राम तमरा, पड़िया मोड़ पे एक घटना हुई थी। दो भाई यादव दूध बेच करके वापस अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान तीन व्यक्तियों द्वारा उन पर असाल्ट किया गया, और जिससे एक भाई जो नितेश है उसकी मृत्यु हो गई और दूसरा जो है घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा था। कुछ लोगों का ये कहना है कि दामदार जिनके खिलाफ़ FIR हुई है वो उस घटना में नहीं थे, इस बात का स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है। उन बिंदुओं को भी विवेचना में ला करके ये जांच की जाएगी कि उसमें कितनी सत्यता है और क्या तथ्य हैं, उन तथ्यों पर विवेचना करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।